हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्निंग में मैंने बताया था कि अवध यूनिवर्सिटी की आज शाम तक लिस्ट जारी होगी और जो लिस्ट है वो फाइनली जारी हो चुकी है। तो अवध यूनिवर्सिटी की मैं लिस्ट दिखाऊंगा, साथ ही साथ आजमगढ़ की भी लिस्ट जारी हो चुकी है, उसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। इस वाली लिस्ट को भी टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा और साथ ही साथ जो और भी अन्य यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो बांदा के हों, DDU हों, CSJMU हों, रज्जू भैया हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप छात्र हो तो आप सभी लोगों को हम बता देंगे कैसे आप देख सकते हो कि डिजी शक्ति पोर्टल पर आपका जो है डाटा गया है या नहीं गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो पहले तो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों को सारी अपडेट समय से मिल जाए। और हां, बेल आइकन को भी जरूर दबा दिया करिए, नहीं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, फिर आप लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उसको भी दबा दिया करिए। तो चलिए हम बात करते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, ये जो है अवध यूनिवर्सिटी की, आप यहां पर देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन है वो KS साकेत कॉलेज जो है PG कॉलेज अयोध्या का है। ऐसे ही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, तकरीबन ये 53-54 पेज का है। लेकिन इसमें जो है लिस्ट में ज्यादातर जो नाम है वो BA थर्ड ईयर वाले छात्रों के इसमें नाम है और जो है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसके कई सारे चरणों में जो है देखा जाएगा। तो जिन लोगों का भी इसमें नाम नहीं उनको परेशान नहीं होना है। आप लोग ये जरूर देख सकते हो कि आप लोगों का नाम है, मतलब आप लोगों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, डिजी शक्ति पर कैसे हम अपना नाम चेक करते हैं वो सब हम आपको दिखा देंगे। साथ ही साथ ये जो लिस्ट है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो है, आपका डाटा जो है डिजी शक्ति पर जो है अपलोड किया गया है कि नहीं अपलोड किया गया है। तो मैंने जो है यहां पर आप देख सकते हो कि डीजी शक्ति का ये जो है ऑफिशियल जो है यहां पर साइट पर हम आ चुके हैं। तो आपको यहां पर साइट पर आने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको आना हो तो digishakti.up.gov.in पर आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल या जो भी ब्राउजर आपके पास में है तो भी आप पहुंच जाओगे। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी कि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा यहां पहुंच जाओगे। तो यहां पर आपको यहां दिख रहा होगा छात्र कॉर्नर, तो आपको इस छात्र कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, यहां पर आपको नीचे चले आना है और यहां पर जो ग्रीन कलर का लिख रहा है ना यहां पर क्लिक करें, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, अगर आप आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हो तो इसको सेलेक्ट करो। तो मैं यहां पर राम मनोहर लोहिया का, मेरे पास डाटा है तो मैं राम मनोहर लोहिया को सेलेक्ट कर लेता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, आपको ये क्लिक कर देना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर डाल देना, तो मेरे पास एक छात्र का इनरोलमेंट नंबर है तो मैं इसको प्राइवेट करूंगा, ठीक है, आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने इस क्लिक कर दिया है और मैं उसका जो है एनरोलमेंट नंबर जो है डालने जा रहा हूं। बिल्कुल, तो आपको अपना जो है एनरोलमेंट नंबर डाल देना है और साथ ही साथ जो नीचे कैप्चा है उसको डाल देना। और जैसे आप कैप्चा वगैरह को डालोगे आपको यहां पर नीचे दिख जाएगा, जैसे यहां पर उस छात्र का नाम दिखेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहां पर लिखकर आएगा, जैसे कि यहां पर एक छात्र का नाम दिखा तो मैं उसके नाम को भी मैंने हाइड कर दिया है और यहां पर लिखकर आया कि आपके संस्थान ने आपको डिजी शक्ति पोर्टल पर पहले ही नामांकित किया हुआ है, टैबलेट व स्मार्टफोन कार्यक्रम का वितरण निर्धारित होने पर आपको सूचित किया जाएगा, ये चीज जो है यहां पर बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका है यहां पर तो ठीक है, नहीं होगा तो ये रेड कलर का आएगा और लिखा रहेगा कि आपका जो है यहां पर नहीं किया गया है, आप अपने कॉलेज या संस्थान में आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कॉलेज या जो भी ग्रुप आपने बनाया उस पर शेयर कर दीजिए एक बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।